आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गले ब्रॉड को किस तरीके से रखा जाता है ये समझाने वाला हूँ और एक ऐसी टिप दूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, जिससे आपके सिलाई में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए दोस्तों, वो क्या चीज है, तो हम चलते हैं डमी पे और आपको एक नाप लेना बताऊंगा, उसी के हिसाब से आप गले का ब्रॉड निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरे पास एक आया कमेंट्स और एक फोटो भेजी कि एक लड़की का जो गले का तीरा था ना, हाला जिसको कहते हैं, वो काफी ज्यादा इतना फैल रहा था। तो उन्होंने बोला कि आखिर हाले को हम किस तरीके से रखें वो बता दो। तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको दोनों चीजें इसमें समझाऊंगा, गला ब्रॉड भी हाला भी, जो कि कॉलर वाले में काम आता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये डमी है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये मेरी ये जो गर्दन है, हमें इस गर्दन का नाप लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका नाप लेंगे, इंच ये ना हमारा, और इस जगह पर इंच टेप को रखना होता है, गर्दन होती है। अब किसी की पतली है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। हम फिलहाल इसमें हल्की सी एक फिंगर हमारी होगी और इसको हम नापते ही आ रहा है हमारा 15, ठीक है, 15 आ रहा है फिंगर हल्की सी डालने के बाद। तो ये हमारा 15 इंच हो गया। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न पे। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा निशान लगा दिया है, जिस तरीके से हम यहाँ लगाते हैं। और ये मैं कमीज आपको बोट नेक कॉलर में समझाने वाला हूँ। गला ब्रॉड तो आप चाहे कॉलर में रखो चाहे नॉर्मल में रखो, एक ही तरीका है। दोस्तों हमने गला नापा इसका 15 डमी पर, इसको सिंपल हमें भाग दे देना है 5 से। तो जब हम 15 को 5 जगह भाग करेंगे तो मेजरमेंट निकल के आएगा दोस्तों 3 इंच। आपने देखा होगा मेरी कई कटिंग में, मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस तरीके से 3.25 पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला कि आप 0.25 डाउन कर लो इस तरीके से, और फिर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इस निशान को नीचे फ्रंट वाले निशान से मिला देता हूँ। ये मिलाकर अपनी जो यहाँ शेप देनी है, हम ये बैक वाली शेप दे देते हैं, ये हम अपने फ्रंट की शेप दे देते हैं, और हम इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हिस्सा सही है, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब बोट नेक होता है, ठीक है, बोट नेक में कभी कभी ये चीज उठी रह जाती है। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझना। अभी हमने यहाँ पे जो नाप लिया गले का, ये था दोस्तों हमारा 15 इंच, ठीक है, नेक मेजरमेंट NM लिख दिया मैंने, ठीक है। तो नेक मेजरमेंट हमारा 15 था, इसको भाग करा 5 जगह, नाप आया 3। अब दोस्तों 3 नाप आया तो हमें 3 इंच का यहाँ पे निशान लगा देना है। ध्यान से देखना, ये जो स्टार बनाया, ये 3 इंच हमारा गले का ब्रॉड रहेगा। तो इसी तरीके से हम गला ब्रॉड निकालते हैं। किसी की गर्दन यहाँ पे 15 की जगह पे अगर मान लो 13 है, तो 13 को 5 से भाग करो, जो मेजरमेंट निकलेगा ये आपको रखना है। तो ये तो गले ब्रॉड के लिए हो गया, चाहे नॉर्मल गला हो, कॉलर वाला हो, कोई भी हो, गले का ब्रॉड ऐसे रखना है। अब अगर मान लो आप कॉलर वाला बना लो, जिसमें आप एक कॉलर बनाते राउंड वाला, तो जितना मेजरमेंट आपने यहाँ पे लिया जाए 3, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 लेंगे, ठीक है। 3 लेने के बाद हम इसको इस तरीके से राउंड दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा हाला। तो दोस्तों इसमें आपने दो चीज समझी, गला ब्रॉड कैसे निकालेंगे, गले वाला कॉलर वाला, और हाले को हम कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि बोट नेक कैसे रखना है। तो आपने देखा होगा मेरी कई कटिंग के अंदर, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे समझना। मैंने क्या करा, 5 इंच का ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है, इंची टेप लिया, 3.5-4 जो भी निशान लगाना, इसको हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ठीक है, ये निशान हो गया। अब इस निशान को हम यहाँ पे 0.25 इंच का ऐसे डाउन करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। जब मैं पहले यहां से बिल्कुल सीधा कटिंग करता हुआ आता हूँ यहाँ पर, और यहां से जब यहां तक डाउन करता हूँ, तो हमारी ये कंडी कितनी उठी रह गई, 0.5 इंच। होता क्या है, जब हम यूं खड़े होते हैं, किसी किसी लेडीज का देखते हैं कि ये वाली जो कंधी है ये हल्की हल्की उठ रही है, फिर हम क्या करते हैं उसको दोबारा कंधी खोल के दबाते हैं, वो हिस्सा बिल्कुल सही बैठ जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको गले का ब्रॉड नाप लेना है। अब जैसे मान लो गले का ब्रॉड हमने नाप लिया, लगा दिया, यहां से हमने जितना डाउन करना है कर लिया। इसके ऊपर भी मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कंधी को डाउन कर लेना है, जैसे मैंने बताया सीधा कटिंग करके नहीं करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पहले कैसे कटिंग करता था। देखो इसमें आप 3 चीजें सीख गए हो, पहला गला ब्रॉड निकालना, दूसरा आपको हाला कैसे लेना है वो बता दिया, अब तीसरा बता रहा हूँ आपको बोट नेक के लिए, ठीक है। ये तीनों आपके बहुत काम आएगा। मैं पहले कटिंग करता था ऐसे फिर ऐसे, इस चीज को आप खुद देखना, ठीक है। अब मान लो मैंने ये कटिंग कर दिया, मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, मेरे को सिर्फ समझाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो दोस्तों, हमारी कंधी ऐसे जा रही है, लेकिन हम पहले ऐसे कटिंग करते थे, जब कंधी दबाते तो हमारे इतना दबता था कंधी, अच्छा इतना दबता था दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा ये चीज उठा हुआ रह गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको अब बताया गले का ब्रॉड नाप के जब कंधी डाउन करेगा, तो अभी आपको ये काटना है। अब जब ये काट दोगे तो आपकी कंधी दबेगी कुछ इस तरीके से, देखिए गले का ब्रॉड है, अब आपकी कंधी इतनी दबेगी, ऑटोमेटिक दोस्तों जो उठने वाली प्रॉब्लम है वो आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आपने देखा इसके अंदर मैंने आपको 3 टिप समझाई है। 1, गला ब्रॉड किस तरीके से निकालेंगे। 2, कि आप हाला किस तरीके से निकालेंगे राउंड कॉलर के लिए।
तीसरी मैंने आपको बोट नेक के लिए बताई, तो आप ये चीज अजमाना, आपको काफी ज्यादा दोस्तों फायदा मिलेगा। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो अपनाने के बाद जो कमेंट्स नहीं करते, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले इसको अजमाओ, जब आपसे सही बने या जैसा ही बने तो कमेंट करके बताओ, जिससे कि और लोगों को भी फायदा होगा। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो और भी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, पर्सनली मुझसे सीखना चाहता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।